जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी जो लाइबिलिटी है दैट इज़ बेसिकली अनलिमिटेड, ये इसका ड्रॉबैक है। लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। अच्छा जी, अब ये जो मैंने बात की है कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, व्हाट डज इट सपोज टू मीन, कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसको हम एक सिंगल वर्ड में यूँ लिखते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। कि जनाब ये जो लाइबिलिटी है इसका असल में मतलब क्या है। लाइबिलिटी का मतलब आसान लफ्ज़ों में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि आपकी जो अदायगी की जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, पहली बात। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट ना हो जाए। अनलिमिटेड का मतलब है, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं और मैं इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी को जो है वो यहाँ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि जो सोल प्रोप्राइटर है यानी कि ओनर है वो पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, हम इसको आसान भाषा में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो पर्सनली लाइबल कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनर था वो चला गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से उसने बेसिकली कर्ज़ा ले लिया है 5 लाख का बिज़नेस करने के लिए, ठीक हो गया। 5 लाख का कर्ज़ा उसने लिया और अल्टीमेटली देर इज़ सम अदर सर्कमस्टांसिस दैट अराइजेज, बिज़नेस कोलैप्स कर गया और अल्टीमेटली नुकसान हो गया। अब कर्ज़ा वापस भी तो करना है, उसने बिज़नेस के जो चीज़ें थीं बेची और कुछ अमाउंट रिकवर की और दैट अमाउंट इज़ $300,000, ठीक हो गया। उसने ये अमाउंट रिकवर करके दे दी बैंक को वापस। पीछे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रहेगी जो कि उसने देनी थी बैंक को, वो थी 2 लाख। 2 लाख इज़ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब बिज़नेस तो सारा बिक गया है एंड देर इज़ नो मनी लेफ्ट इन द बिज़नेस टू बी पे ऑफ टू द बैंक, तो अब वो क्या करेगा। अब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहेगा जनाब इन हज़रत साहब जिनका बिज़नेस डूब गया है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो, इनके पर्सनल एसेट्स बेचो, मोटरसाइकिल है पर्सनल बेच दें, गाड़ी है बेच दें, कोई बिल्डिंग है, कोई ज्वेलरी है, वट एवर पर्सनल कोई भी उसका एसेट है बेचें, अमाउंट रिकवर करें। तो वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको टच किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो बेसिकली वो जो पर्सनली लाइबल हो गया इट मींस द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक है। आई होप इट मेक्स यू अंडरस्टैंड। ये मैंने थोड़ा सा इजी लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस डिस्कस करते हैं और सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो है आपकी पार्टनरशिप। नाउ ये हमारी बिज़नेस की सेकंड टाइप है, पार्टनरशिप, और हम इसको डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग, व्हेन टू और मोर पर्संस या इंडिविजुअल ज्वाइन हैंड टुगेदर to start a business and share profit or loss as per agreed proportion। जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस जो हैं
वो मिलके स्टार्ट करें, किस लिए कि जनाब जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उनके दरमियान तय हो चुका है। ठीक है, एग्रीड प्रोपोर्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो उनके दरमियान तय हो चुका है। एग्रीड प्रोपोर्शन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं एग्रीड रेशो। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने पैसे इक्वल इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट भी इक्वल होगा, नहीं। बेसिकली जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है तो उस टाइम जो स्कीम आपने तय कर ली है कि जनाब मैंने 50 दिया उसने 1,00,000 दिया, प्रॉफिट होगा तो हम आधा आधा करेंगे, तो जो हमने तय कर लिया। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग, अब कितने लोग हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन माकूल बात यह है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है 1872 वो ये कहता है, नहीं पार्टनरशिप एक्ट है 1890, एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1890 वो कहता है कि जनाब हज़रत साहब मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो होने चाहिए कितने, 20, माकूल बात है। ठीक है, अगर 20 से एक्सीड हो 20 मैक्सिमम पार्टनर्स तो बेहतर है कि आप कंपनी खोल लें। ठीक है, अच्छा अब इसमें वही ड्रॉप है कि लिमिटेशन है। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर मैनेजेबल है, लेकिन ये रीज़नेबल बात है कि 20 मैक्सिमम हो ताकि जो है वो आप बिज़नेस शार्पली परफॉर्म कर सकें। ना मूविंग फॉरवर्ड, इसी में हम ये बात डिस्कस करने लगे हैं कि वही बात जो कि हमने ऊपर डिस्कस की है पार्टनरशिप से पहले सोल प्रोप्राइटर में, कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके भी पार्टनर्स जो हैं ओनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। दिस इज़ द लिमिटेशन, पार्टनर्स यानी कि ओनर्स हैव एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है जी, क्या मतलब, मतलब वही दे आर पर्सनली लाइबल टू एनी डेट ऑफ द बिजनेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वो पर्सनली लाइबल हैं, एक दो बातें और भी हैं, दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल, आई डोंट थिंक सो इट्स अप्रोप्रिएट टू डिस्कस एट अ वेरी बिगनिंग इनिशियल लेवल, वो हम FA2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वी हैव अ कंप्लीट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, के पार्टनर्स पर्सनली लाइबल हैं फॉर एनी डेट, कोई भी अगर डेट है बिजनेस का वो अपनी पॉकेट से पे करेंगे अगर बिजनेस ना पे कर पाया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगला जो हमारा तीसरी टाइप है बिजनेस की वो है बेसिकली कंपनी, जिसको आप कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। अगली टाइप है, सॉरी फॉर दैट, लेट मी, ओके जी, कंपनी। चलें जी, कंपनी का मतलब क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी बेसिकली, मैं बुलेट्स में डेफिनेशन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं इसको यहाँ पर बुलेट्स में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और फिर इट कैन स्यू और कैन बी स्वीट एट इट्स ओन नेम, ये बेसिकली कंपनी की जो है वो डेफिनेशन है। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है। देखें, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं काम करता हूँ सैमसंग में, तो आप कहते हैं मैं सैमसंग जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, इसका मतलब है सैमसंग एक सेपरेट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि आप एम्प्लॉई हैं उसके, तो वो जो आपको पे स्लिप मिलती है उसके ऊपर ज़ाहिर है सैमसंग कंपनी लिमिटेड लिखा होगा, कॉरपोरेशन लिखा होगा, वो एक सेपरेट एंटिटी है। उसको बनाने के लिए कुछ कानून हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर, और तब वो कंपनी वजूद में आती है। इसका मतलब क्रिएटेड बाय लॉ,
यानी कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है बेसिकली स्टैम्प। उस कंपनी की अपनी एक स्टैम्प होती है, जैसे कि आप लेटर हेड के ऊपर कुछ लिखवाए हैं और उसके नीचे वो साइन करेंगे और स्टैम्प लगेगी कंपनी के, ठीक है। तो कॉमन सील का मतलब स्टैम्प। इट कैन सू और कैन बी सूड एट इट्स ओन नेम। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाई, डॉलर से मंगवा ली, वो रेफ्रिजरेटर जो है वो ख़राब निकला और उसने आपकी चीज़ें डैमेज कर दी, तो आपने डॉलर्स के ऊपर केस कर दिया। अब ये तो नहीं ना डॉलर्स के सीईओ के ऊपर या किसी एम्प्लॉय के ऊपर केस किया, आपने डॉलर्स के ऊपर केस कर दिया ना। अब या फिर डॉलर्स ने किसी और पार्टी पे केस कर दिया, सप्लायर के ऊपर, कि जनाब इन्होंने हमें चीज़ अच्छी सप्लाई नहीं की, रॉ मटेरियल वगैरह। इसका मतलब है कि जो डॉलर्स है वो कंपनी है वो किसी पे केस कर भी सकती है अपने नाम से। ये नहीं है कि डॉलर्स के एम्प्लॉय ने किसी सप्लायर के ऊपर केस कर दिया कि कंपनी को अच्छे रॉ मटेरियल परफॉर्म नहीं किया। डॉलर्स अपने नाम से केस कर सकती है और इसके ऊपर भी केस हो सकता है। इसका मतलब कंपनी होता है। नाउ अब अच्छी बात यह है कि जिसको मैं ब्लू में लिखूंगा वो ये है कि जो कंपनी होती है ये बनती कैसे है और शेयर्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने रहना है। हम बेसिकली बात करेंगे जो कंपनी के मालकीन हैं, जिनको आप ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स कहते हैं, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स जिनको हम आसान भाषा में ओनर्स कहेंगे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि वो पर्सनली लाइबल नहीं है फॉर एनी डेट ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग, या नॉट अ पर्सनली लाइबल। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, 50,000 के उनके शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स होते क्या अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं 50,000 मालियत का मालिक बन गया उस कंपनी के अंदर, जितना प्रोपोर्शन मुझे मिला शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी फॉर एग्जांपल दिवालिया हो गई है, डूब गई है, तो मेरे को 50,000 ही डूबेगा ना। अब ये थोड़ी है कि कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था, मैंने पर्सनली अपनी चीज़ें बेच के वो पूरा करना, ना जी ना। आई एम ओनली लाइबल बिल्कुल जो है वो कंपनी के लिए अपने पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको नहीं बेच सकता। आई एम नॉट लाइबल टू डू दैट, ठीक है। तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। आई होप इट मेक्स यू अंडरस्टैंड। अच्छा आगे चलते हैं। कंपनी की फर्दर दो टाइप्स हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी। अच्छा जी, नंबर वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नंबर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा ये जो वर्ड लिमिटेड है इससे मुराद होती है कि उस कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, मतलब दे आर नॉट पर्सनली लायबल। कंपनी से मुराद यहाँ पर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उसके एम्प्लॉइज़ के, उसके शेयर होल्डर्स के, उसके डायरेक्टर्स की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इट कैन नॉट ट्रेड इट्स शेयर्स। इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जनाब ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने शेयर्स ट्रेड नहीं कर सकती। ट्रेड से मुराद है खरीद और फरोख्त, ठीक है। इट कैन ओनली सेल अच्छा कहाँ सेल कर सकती है, अमंग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, और अगर कोई क्लोज उनके रिलेटिव्स हैं। अच्छा जी, नंबर टू जो दूसरी टाइप है कंपनी की वो है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है इट कैन, ये जा सकती है कहाँ, ट्रेड इट्स शेयर्स इन स्टॉक
एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, इनको लिस्टेड कंपनीज भी कहा जाता है, और ये खरीदो फरोख्त कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती क्या है और ये कैसे चलती है, ये हमारे कोर्स का फ़िलहाल हिस्सा नहीं है। अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई टॉपिक छिड़ गया तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर इनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। दोज हु आर फर्स्ट टाइम स्टडिंग द बिजनेस एंड अकाउंटिंग, देर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज। हर चीज़ को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, मतलब कि लर्निंग का प्रोसेस ये नहीं है कि एट अ पॉइंट इन टाइम आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हज़म करनी है ना, बिल्कुल हल्का हल्का करके आपने स्टार्ट लेना है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे, चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड होंगी। अगर एक ही दम सारा कुछ आप घुस जाएंगे अंदर के, सर कंपनी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट शेयर्स कैपिटल डेट ये क्या है सर, ओनर्स और फिर ये शेयर होल्डर्स कैसे बनते हैं और फिर ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या, ना 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 ये काम नहीं करना, हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, दिस इज़ आवर डन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, और उसके अलावा जो हमारा टॉपिक था वो था बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी की टाइप्स क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। आई होप कि चीज़ें आपके साथ आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी।